स्वागत कक्ष की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन आने वाले मेहमानों के लिए हर घर में स्वागत कक्ष की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, स्वागत कक्ष से मेरा मतलब है बैठक से। हर घर में एक बैठक अवश्य होती है और उसे विशेष तौर से व्यवस्थित किया जाता है आने जाने वाले मेहमानों के लिए। आम बोलचाल की भाषा में स्वागत कक्ष को बैठक भी कहा जाता है और हर घर में आपने देखा होगा बैठक जरूर होती है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें बैठक ना बनाई गई हो। इसीलिए दोस्तों, बैठक का हमारे घर में अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमारे घर में बैठक किस जगह पर होनी चाहिए, किस जगह पर बैठक बनाना अर्थात किस दिशा में बैठक बनाना महत्वपूर्ण होता है और हमें लाभ देता है, और किस दिशा में अगर बैठक है तो वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जानकारी पूरी लेने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि घर की बैठक गलत दिशा में बनी है या गलत तरीके से व्यवस्थित की गई है तो उसका जितना प्रभाव हम पर पड़ता है उतना ही प्रभाव उसका आने वाले मेहमानों पर भी पड़ता है। इसीलिए हमें जो हमारे घर की बैठक है उसको वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही दिशा में और बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित करके बनाना चाहिए, ताकि हमें और हमारे आने वाले मेहमानों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंच सके। तो बैठक को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा में बनी बैठक हमारे लिए अशुभ मानी जाती है और आने वाले मेहमानों के लिए भी ये शुभ संकेत नहीं देती। इसीलिए कभी भी बैठक को दक्षिण दिशा में ना बनाएं। और इसी के साथ दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर आने वाले स्थान पर भी हमें अपनी बैठक को नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा से मतलब नेत्रत्य कोण से है। दोस्तों, नेत्रत्य कोण में हमारी बैठक नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेत्रत्य कोण में सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपका बेडरूम हो। अगर आपके बेडरूम नेत्रत्य कोण में है तो वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसीलिए नेत्रत्य कोण जो है वो हमारे लिए बेडरूम की जगह है, ना कि बैठक की जगह। इसीलिए दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर कभी भी आपकी बैठक नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में बनी बैठक घर में तनाव की स्थिति पैदा करती है और साथ ही साथ घर में आने वाले मेहमानों के साथ भी आपका व्यवहार खराब होता है और आपसी तालमेल बिगड़ने से मेहमान आपसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में भूल कर भी बैठक नहीं बनानी चाहिए। यदि आप बैठक को पूर्व दिशा में बना सके तो ये आपके लिए सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। दोस्तों, पूर्व दिशा या पूर्व से ईशान दिशा वाली जगह पर अगर आपकी बैठक है और यदि आप नया मकान बना रहे हैं तो उस दिशा में बैठक का निर्माण करवाएं, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके और आने वाले मेहमानों को भी इसका लाभ मिल सके, ताकि आप में और आपके मेहमानों में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना रहे और आपको भरपूर लाभ मिल सके। इसीलिए हमेशा अपनी बैठक को पूर्व और ईशान दिशा में बनाएं। लेकिन दोस्तों, यदि जगह के अभाव कारण या आपके घर में इतनी जगह ना हो कि आप पूर्व दिशा में ही अपनी बैठक बना सके, तो दोस्तों आप उत्तर दिशा में भी बैठक को बना सकते हैं। उत्तर दिशा में बनी बैठक भी हमारे लिए शुभ मानी जाती है और इसके साथ ही आप उत्तर से पश्चिम दिशा वाली जगह पर भी बैठक को बना सकते हैं। कहने का मतलब, आप वायव्य कोण में बैठक का निर्माण करवा सकते हैं। वायव्य कोण में बनी बैठक अशुभ संकेत नहीं होती, इसीलिए वायव्य कोण में भी आप बैठक का निर्माण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि किस दिशा में हमें अपनी बैठक बनवानी चाहिए और किस दिशा में नहीं बनवानी चाहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दूं कि दक्षिण पश्चिम दिशा में आपकी बैठक नहीं होनी चाहिए और सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ जगह है पूर्व दिशा, पूर्व से ईशान दिशा। इसीलिए हो सके तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ही अपनी बैठक का निर्माण करवाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बैठक के अंदर सामान किस जगह रखना चाहिए, कौन सा सामान किस जगह पर रखना आपके लिए लाभदायक होगा और किस जगह पर रखा सामान आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे आने वाली सभी वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन आने वाली वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको बैठक के अंदर अपना जो सामान है, जो फर्नीचर है, वो किस जगह रखना चाहिए, किस जगह पर उसको रखना आपको शुभ फल देगा और किस जगह उसको रखना आपके लिए अशुभ संकेत देगा।
तो दोस्तों इसीलिए हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए और किसी भी वीडियो को मिस ना करें ताकि आपको वास्तुशास्त्र के लिए पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राम दोस्तों।